खुशहाल क्रिसमस, प्यार और तोहफों की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक बच्चा रहता था। वह बहुत ही उत्साहित था क्योंकि वह सबसे प्यारे त्योहार क्रिसमस 25 दिसंबर का इंतजार कर रहा था। उसके पास क्रिसमस के लिए कोई तोहफा नहीं था, लेकिन उसका दिल खुशी से भरा हुआ था। गांव में सभी लोग तैयारियों में थे। घरों को सजाने के लिए राहुल भी अपने माँ बाप की मदद कर रहा था। वह ट्री के नीचे झूला लगा रहा था, जबकि उसकी माँ झूले के पास सुंदर फूलों से सजा रही थी। एक दिन राहुल ने अपने दोस्तों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठकर क्रिसमस की कहानियों का मजा लिया। वहाँ उन्होंने सुना कि क्रिसमस पर सांता क्लॉस आते हैं और अच्छे बच्चों को तोहफे देते हैं। रात को राहुल ने अपनी प्यारी माँ से पूछा, माँ क्या मैं सांता क्लॉस से मिल सकता हूँ? माँ ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, जरूर मिल सकते हो। राहुल यह बात से जानकर क्रिसमस की रात में सोने के लिए बहुत उत्सुक हो गया। उसने सोचा, क्या सांता मेरी इच्छा पूरी करेंगे? अगली सुबह राहुल ने उठकर देखा कि ट्री के नीचे उसका एक तोहफा पड़ा हुआ था। उसने तोहफा खोला और उसमें उसकी पसंदीदा खिलौना पाया। उसने खुशी से झूमते हुए उसे देखा और धन्यवाद कहा। फिर कुछ दिन बाद राहुल ने अपने माता पिता को तोहफे की बात करते हुए सुना और वह समझ गया कि मेरे सांता मेरे माता पिता हैं, बल्कि उसके माँ बाप ने उसे तोहफा दिया था। उसने समझा कि प्रेम और मामूली चीजों की खुशी सबसे बड़ी खुशी होती है। अपने माता पिता का हमेशा आदर करेगा और एक अच्छा इंसान बनेगा। राहुल ने सीखा कि सच्ची खुशी और प्यार अपने चाहने वालों के साथ होता है। उसने वादा किया कि वह हमेशा सभी को प्यार और सम्मान देगा। फिर इसी तरह हर साल राहुल के माता पिता हर साल सांता मानकर राहुल को तोहफा देते और राहुल बहुत खुश होता। इस तरह राहुल के दिल में क्रिसमस का त्यौहार बड़ी खुशियों और सीखों के साथ मनाया गया। तो यह थी खुशहाल क्रिसमस की कहानी, जो हमें यह बताती है कि प्यार और समझदारी हमें सबसे अधिक खुशी देती है। धन्यवाद।